गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आरएस कैरियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपन जो है सीएसआईआर नेट जेआरएफ लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें अपनी जो है इकोलॉजी यूनिट वो चल रही थी, तो उसमें आज अपना है लेक्चर नंबर 4, ये बस माई। तो उसमें आज अपन बात करते हैं कि पॉपुलेशन का एस्टिमेशन, कि मान लो कोई लेक है, कोई तालाब है, उसके अंदर मान लो कितनी मछली है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारी मछली को पकड़ पकड़ के काउंट करेंगे, ये बस माँगी। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपना क्या है, ये लेक है, ये बस माँगी, ये लेक है। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक एप्रोक्स आइडिया लगाएंगे कि इतनी इसके अंदर क्या हो सकती है, मछलियाँ हो सकती है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले अपन सैंपल पिक करेंगे। मतलब अपन क्या करेंगे, जो अपना नेट है, जाल है, वो डालेंगे और अपने सैंपल पिक किया। मान लो कितना सैंपल आया अपने पास, 100। कितना आया, 100, ये बस भाई। मतलब 100 मछलियाँ अपन ने ले ली, ये बस भाई। ये तो हो गया सैंपल पिक। फिर इसके बाद अपन इनको मार्क करेंगे, मान लो कोई भी टैग लगा दिया, जैसे कोई भी, ये बस भाई। तो उससे इनको क्या कर दिया, 100 को 100 मार्क कर दिया। फिर इसके बाद अपन इसको रिलीज करेंगे, मतलब वापस कहाँ डाल देंगे, लेक के अंदर। फिर मान लो अपने अगले दिन क्या किया, रिकैप्चर। क्या किया, रिकैप्चर, मतलब अपने वापस जाल डाला। तो ऐसा तो है नहीं कि इस बार जाल डालेंगे तो 100 ही आनी चाहिए, 200 भी आ सकती है। तो मान के चलते हैं कि कितनी आ गई, 200। अब ये 200 है, तो ऐसा तो है नहीं इस 200 में कि मार्क ही आएगी, इसमें दोनों आएगी। क्या आएगी, मार्क प्लस अनमार्क, ये बस मारी। तो रिकैप्चर है वो मार्क प्लस अनमार्क होता है, मतलब मार्क भी होते हैं और अनमार्क भी होते हैं। ऐसा थोड़ी है 100 के 100 जो मार्क दे वो इसमें आ गए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। फिर इसके अपने इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन का एस्टिमेशन अपन पता करेंगे, इसमें कितनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन सैंपल पिक करेंगे, मान लो कितना आया, 100। फिर उसके बाद इनको क्या करेंगे, मार्क, ये बस में। फिर इनको वापस कहाँ कर देंगे, लेक में रिलीज। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको रिकैप्चर। जैसे अपन ने कितना किया, मान लो 200, तो उसमें मार्क भी होते हैं और अनमार्क भी होते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉपुलेशन एस्टिमेशन। एक बार नेट में ये सीक्वेंस ही पूछा हुआ है, ये बस मैं। तो अब हम पता करते हैं कि जो मान लो कितनी मछलियाँ उसे लेक के अंदर है। तो अब क्या होता है, पहले तो एक विदाउट फॉर्मूले से बताता हूँ कि मान लो अपन ने क्या किया, 100 सैंपल मार्क किए, ये बस मैं, ये बस है, 100 सैंपल अपन ने क्या कर दिया, मार्क। फिर उनको रिलीज कर दिया। फिर अगले दिन मान लो अपन ने रिकैप्चर किया उनको, तो मान लो अपने पास कितनी आ गई, 200। उस 200 में से 50 मार्क थी और 150 अनमार्क थी, ये अपन ने देख ली। तो अब देखो कि 50 मार्क मिली अपन को 200 में से, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इससे अपन इसको फॉलो कर सकते हैं कि 50 मार्क मिली अपन को 200 में से, तो 50 मिली 200 में से, तो ए कितने में मिलेगी, 200/50, ये बस मांगी। तो अपने पास एक थोड़ी थी, अपने पास कितनी थी, 100, ये बस में। तो 100 कितनी मिलेगी, 200/50 × 100, यह आ गया, 2 से कैंसिल हो गया और 2 × 200 कितना हो गया, 400, 400, ये बस भाई। तो यहीं से फॉर्मूला बनता है कि ये 200 अपना क्या है, रिकैप्चर, ये बस भाई। तो ऊपर क्या लिखना है, यहाँ पे टोटल रिकैप्चर, और नीचे क्या है, 50, ये बस भाई। 50 क्या है, जो मार्क है, ये बस भाई, मार्क, मार्क इन रिकैप्चर। क्योंकि तो दो जगह मार्क किया था, एक तो स्टार्टिंग में अपने सैंपल को मार्क किया था और एक अपन को रिकैप्चर में मार्क मिला था। तो ये मार्क कौन से है, रिकैप्चर वाले, तो ये मार्क इन रिकैप्चर। और ये 100 क्या है, टोटल मार्क, जो स्टार्टिंग में अपने मार्क किए थे वो वाले, मतलब टोटल रिकैप्चर। यहाँ पे टोटल रिकैप्चर किसी का अपन और क्या लिख सकते हैं, मार्क प्लस है अनमार्क, ये बस मांगी। 50 + 150 200 ही तो होते हैं, ये बस मांगी। तो टोटल रिकैप्चर अपॉन मार्क्ड इन रिकैप्चर इंटू टोटल मार्क्ड किसमें, सैंपल में। तो याद रखना आपको, रिकैप्चर अपॉन मार्क इंटू इनिशियली मार्क्ड, ये बस मांगी। तो रिकैप्चर तो ये हो गया, इसमें रिकैप्चर में जितने मार्क है वो नीचे लिखेंगे, और स्टार्टिंग में जो मार्क किए थे, जैसे यहाँ पे 100 किए थे, वो कहाँ पे लिखेंगे, आगे मल्टीप्लाई। तो आंसर हो गया 400। तो ऐसे निकालना है। अब फॉर्मूला सीधा सीधा आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन एस्टिमेशन का फॉर्मूला क्या है, रिकैप्चर, मान लो जो बाद में रिकैप्चर किया, अपॉन मार्क लिखने हैं, लेकिन कौन से, रिकैप्चर में जो मार्क मिले, ये बस भाई। और आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, जो स्टार्टिंग में अपने मार्क किए थे जिस सैंपल को, उसको, ये बस भाई। और रिकैप्चर को अपन मार्क प्लस अनमार्क भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा, देखो जैसे ऐसे भी पूछ सकता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, क्वेश्चन से भी आ सकता है कि इतने मार्क रिकैप्चर है, इतने मार्क इन रिकैप्चर है, इतने सैंपल है, तो बताओ पॉपुलेशन एस्टिमेशन क्या होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से पुट कर देना। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, एन बराबर स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, जो स्टार्टिंग में अपने मार्क किए थे, और इंटू NM + NU लिखा है, मतलब मार्क प्लस एन मार्क लिखा है, यही तो क्या होता है अपना रिकैप्चर, ये बस मई। और अपन ने और डिवाइड बाई किसको किया, मार्क इन रिकैप्चर, ये बस मई। तो यही क्या है अपना फॉर्मूला, ये बस भाई। ये ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ये फॉर्मूले भी पूछ सकता है और इक्वेशन दे के भी ये पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बस भाई। ये हर बार रिपीट होता है इक्वेशन इकोलॉजी के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
ये बस कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म, अगर रेंडमली करती है तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, रेंडम। और मान लो वो एक ग्रुप में रहती है तो उसको बोलते हैं अपन क्लस्टर कलम्प्ट। ये बस में क्लस्टर मतलब एक ग्रुप। अब देखो यूनिफॉर्म में आपको याद रखना है कि इस टाइप से होता है, ये बस में यूनिफॉर्मली अरेंज है। इसका जो डेल है वो 1 से कम होगा, ये बस में डेल से, डेल क्या होगा 1 से कम। और इसमें कौन सा फोर्स काम करता है, रिपल्सन वाला। अब ये डेल क्या होता है इसकी अपन अभी बात करेंगे। ये बस भाई तो रैंडम, यहाँ पे देखो एक और कौन सा टाइप है, रैंडम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें रैंडमली अरेंज होंगे, ये बस मैं इसका जो डेल है वो 1 के बराबर होगा। और इसमें कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, न्यूट्रल वाला। ये बस मैं रिपल्सन की वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म अरेंज हो सकते हैं, न्यूट्रल की वजह से ये रैंडम अरेंज होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, के सिलेक्टेड। देखो के सिलेक्टेड की अपन अभी बात करेंगे, लेकिन आपको सीधा याद रखना है के सिलेक्टेड का मतलब फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, एलिफेंट याद रखना। मैं बोल दूँ आर सिलेक्टेड तो आपको इंसेक्ट मच्छर याद रखने हैं, आर सेलेक्ट के लिए, ये व्यवस्था में मच्छर के लिए। और के सिलेक्टेड फॉर एग्जांपल मैमल्स या एलिफेंट के लिए। अब देखो यहाँ पे एक और नाम दे रखा है क्लस्टर क्लम्प्ट, ये बस में यहाँ पे ग्रुप में रहते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई ग्रुप में रह रहा है तो उसमें क्या हुआ होगा, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन। और इसका जो डेल होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, ये बस में। और ये किसका, इसका इसका एग्जाम्पल क्या है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट मच्छर। इन दोनों जो आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड है इनकी भी अपन अभी बातें करेंगे। ये बस भाई तो तीनों आपको पता होने चाहिए, ये डेल भी पता होने चाहिए। या तो ये सीधा सीधा पूछ लेगा नेट में, या एक तरीका हो रहा है कि ये जो डेल है इसकी बात करते हैं। तो डेल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशियंट। तो डेल बराबर होता है वी अपॉन एम, ये बस भाई। तो वी क्या होगा वेरियंस, और एम क्या होगा मीन, ये बस भाई। अब क्वेश्चन में क्या देगा, वो वेरियंस और मीन दे देगा, ये बस भाई। और आपको पूछेगा बताओ यूनिफॉर्म है, रेंडम है या क्लस्टर कलम्प्ट है। तो वेरिएंस को मेन से डिवाइड करोगे, अगर मान लो डेल 1 से कम आया तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म। अगर मान लो डेल 1 के बराबर आया तो वो क्या होगा, रैंडम। और मान लो डेल 1 से ज़्यादा आया तो वो क्या होगा, क्लस्टर कलम्प्ट। ये बस मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं ये ऊपर से पूछ लेगा, या वी और एम देख के ये पूछ लेगा कि ये बताओ डेल क्या है, या तो डेल पूछ लेगा, या फिर यूनिफॉर्म है, रैंडम है, या क्लस्टर कलम्प्ट है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ये बस मैं। तो समझने पर ज़्यादा फोकस करें, और नोट्स आप साथ में बना सकते हो, ये बस में आ गई। अब इसके बाद क्या है, देखो आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड की ही बात कर लेते हैं। तो देखो आर सिलेक्टेड स्पीसीज को आपको सीधा सा याद रखना है, किसको, मच्छर को, इंसेक्ट को। के सिलेक्टेड से आपको सीधा याद रखना है मैमल्स, या फिर मैं बोल दूँ एलिफेंट, हाथी को याद रखना है, ये बस में आ गई। तो अब हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज की बातें करते हैं। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज सीधी सी बात है, मच्छर है जैसे, तो वो क्या होंगे, स्मॉल, ये बस में। तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज कैसी होगी, स्मॉल होगी, छोटी होगी। इसका एक नाम और देते हैं क्या, सिमल पेरस, ये बस भाई। तो सिमल पेरस क्या होता है, पहले तो ये बताता हूँ। तो आपको एस से याद रखना है सिंगल, सिमल पेरस मतलब सिंगल, मतलब पूरी जिंदगी में, पूरे जीवन के अंदर ये एक ही बार पेरेंट बनेंगे, ये बस भाई, एक ही बार पेरेंट बनेंगे। इसी को क्या नाम देते हैं अपन, सिमल पेरस, ये बस भाई। जैसे मच्छर है तो वो एक बार अपने जो डॉटर है वो प्रोड्यूस कर देगी, उसके बाद खुद क्या हो जाता है, खत्म, ये बस भाई। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिमल पेरस। तो आर सिलेक्टेड कैसी है, सिमल पेरस, आर के बाद ऐसा आता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके अलावा लाइफ स्पेन मतलब जो उनका जो पूरी जिंदगी है वो कैसी होगी, शॉर्ट, छोटी होगी। तो आपको पता है मच्छर एक दिन जिंदा रहते हैं, ये मोर फर्टाइल होते हैं। आपको पता है जब मच्छर आते हैं तो एक साथ हजारों आते हैं, मतलब इनमें जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या है, ज़्यादा। अर्ली रिप्रोडक्टिव मतलब इनमें जल्दी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जल्दी इनके जो डॉटर है वो बन जाते हैं। आपको पता है एक दिन में डॉटर बन के और अगले दिन खत्म भी हो जाते हैं, किसमें, मच्छर में। इंसेक्ट इसका फेमस एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्या यहाँ पे, लेस पेरेंटल केयर, ये बस में मतलब इनमें जो पेरेंटल केयर है, ये बस में जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों की देखभाल बहुत कम करते हैं, ये बस में। वैसे पेरेंट्स जिंदा ही नहीं रहते, जैसे ही वो प्रोड्यूस करते हैं उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, खत्म। इसके अलावा क्या है, वीक कंपिटेटिव, इनमें कोई कंपटीशन ही नहीं होता, सीधी सी बात, या कंपटीशन कम होता है। डिस्पर्सल एबिलिटी मतलब ऐसा है कि यहाँ से दूसरी जगह जाने में ये क्या है, ज़्यादा केपेबल है, ये बस में। तो इनकी जो डिस्पर्सल एबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा। ऑफस्प्रिंग है, इनको जो बच्चों का नंबर है वो क्या है, ज़्यादा। आपको पता है जब मच्छर आते हैं तो कितने आते हैं, बहुत है, ज़्यादा। एक यहाँ पे नाम दे रखा है सर्वाइवरशिप कर्व, इसका कौन सा है, टाइप थर्ड, ये बस में। टाइप थर्ड का मतलब क्या है, ये ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसमें नीचे वाला जो होता है उसको टाइप थर्ड बोलते हैं, क्योंकि जो है इनकी जो मरने की जो रेट है वो बहुत तेजी होती है। तो ये टाइप थर्ड कौन सी होती है, आर सिलेक्टेड, इसकी अपन अभी और आगे बातें करेंगे। ये तो हो गए आर सिलेक्टेड के बारे में। अब हम बात करते हैं के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। तो देखो के सिलेक्टेड का पहला पॉइंट तो याद रखना आपको, ये कैसे होते हैं, लार्ज। मैंने बोला था एलिफेंट इसका एग्जाम्पल याद रखना, तो ये होते हैं लार्ज। इसके अलावा ये क्या होंगे, इटेरो पेरेस। इटेरो पेरेस का मतलब होता है कि ये है ना, जिंदगी में मल्टीपल टाइम पेरेंट बनते हैं, जैसे अपन ही है, जैसे मैमल्स, तो
तो अपन क्या है, मल्टीपल टाइम पेरेंट्स बनने आफ्टर 9 मंथ्स, ये बस मैं। तो ये क्या होता है इटेरोपेरिस, ये कैसे देखो, KIT काइट पतंग, ऐसे याद रख सकते हो कि के सिलेक्टेड क्या होते हैं इटेरोपेरिस। और के सिलेक्टेड को आपको याद रखना क्या होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में कैसे होते हैं बड़े। इसके अलावा क्या है यहाँ पे देखो, लाइफ स्पेन है इनकी जो जिंदगी है वो क्या होती है बड़ी, ये बस मैं। लेस फर्टाइल है, मतलब इनकी तरह नहीं है कि एक साथ बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कर दे, ये क्या करते हैं जैसे एक या दो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। लेट रिप्रोडक्टिव मतलब इनका एक स्पेसिफिक फेज होता है, जैसे 20 साल के बाद मान लो, या ये बस मैं मतलब एक जो टीनेजर वाली एज है उसके बाद क्या होने, इनमें क्या होता है रिप्रोडक्शन, लेट रिप्रोडक्टिव। इसके अलावा क्या है, जो के सिलेक्टेड स्पीसीज है ना उसमें मोर पेरेंटल केयर थी, अपन ही देख लो अपने वाले जो पेरेंट्स अपनी केयर करते हैं, तो जो के सिलेक्टेड स्पीसीज है उनमें क्या है मोर पेरेंटल केयर। इसका आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया, मैमल्स या एलिफेंट। कंपटीशन आपको पता ही है कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, ये बस नहीं। और डिस्पर्सल जो एबिलिटी है वो क्या होती है कम, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ इधर इधर चले जाएंगे ग्रुप में, इधर ऐसे नहीं जाते, ये बस नहीं। तो इनकी जो डिस्पर्सल एबिलिटी है वो क्या होती है कम। फिर इसके बाद है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, आपको बच्चे पता है एक या दो होंगे, तो इनके जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो क्या होंगे लेस। इसके अलावा जो सर्वाइवरशिप कर्व है ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछता है। तो ये कैसा होता है टाइप फर्स्ट, टाइप फेस्ट होता है ऐसे वाला, ये बस में मतलब इनमें क्या होता है जल्दी से ये डेथ की तरफ नहीं जाते, थोड़ा टाइम लगता है। और इनमें ये टाइप है थर्ड, ये बस में इन दोनों की अपन अभी बात करेंगे, पर आपको याद होना चाहिए आर सिलेक्टेड स्पीसीज में होता है टाइप थर्ड, के सिलेक्टेड स्पीसीज में होता है टाइप फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे एक नाम देखा है लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ, ये बस में ट्रेड का मतलब आपको पता है व्यापार होता है वैसे, पर लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ इसका मतलब क्या है कि किसी के पास कुछ चीज़ कोई चीज़ है वो अगर अच्छा उसके पास है ना तो कुछ बुरा भी होगा, ये बस में कोई चीज़ अच्छी है ना तो कोई चीज़ बुरी भी होगी, ऐसा नहीं है कि उसको बस अच्छा ही अच्छा दे रखा है नेचर ने, ये बस में। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो पिकोक है ये बस में मोर है, उसके जो फीदर है ये बस में मतलब जो पंख है उनकी बात करते हैं, तो ये जो इसका पार्टनर होता है पिकोक को उसको तो अट्रैक्ट करता है, ये बस में उसको तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इसका जो शिकार करने आता है ना पिकोक का उसके लिए दिक्कत देता है, ये बस में क्योंकि फिदर उड़ने में इन ये बस में मतलब इनको भागने में इनमें दिक्कत देगा, तो प्रिडेशन प्रीडेटर की जो प्रोडक्शन है वो तो कम होती है, लेकिन जो पार्टनर है उसके लिए अट्रैक्शन क्या होगा ज़्यादा, मतलब एक चीज़ ये अच्छी दे रहा है तो नेचर ने इसको दूसरी चीज़ क्या दी है खराब, ये बस में मतलब ये इसकी एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी चीज़ क्या है खराब, यही क्या है ट्रेड ऑफ। जैसे हॉर्न इन डियर, ये बस में हॉर्न देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन आपको पता है प्रिडेशन शिकारी के लिए तो बहुत ईजी है क्योंकि ये भागने में दिक्कत देता है, तो नेचर ने किसी को कोई चीज़ अच्छी दी है तो बुरी भी दी है, ये बस भाई। अब यहाँ पे दो नाम लिख रखे हैं, एक तो है फेकेंडिटी एक है फर्टिलिटी, दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों ही नेट में पूछे हुए, ये बस भाई। तो अब देखो फेकेंडिटी क्या होते हैं कि जो, ये बस भाई फेकेंडिटी क्या होते हैं, फेकेंडिटी क्या होते हैं कि कोई किसी की रिप्रोडक्शन रेट है आइडियल कंडीशन में, ये बस में मतलब एक नॉर्मल कंडीशन है उसको फुल रिसोर्सेज दे रखे हैं तब उसकी रिप्रोडक्शन रेट क्या है तो उसको बोलते हैं फेकेंडिटी। फर्टिलिटी क्या होती है, जो फिलहाल जो एनवायरनमेंट कंडीशन है उसमें उसकी रिप्रोडक्शन रेट क्या है, बस में इसके जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उस टाइम उसकी रिप्रोडक्शन रेट क्या है इसको बोलते हैं फर्टिलिटी, ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ क्या है कि किसी के पास कोई चीज़ अच्छी है ना तो वो अदर साइड क्या है हार्मफुल या बुरी चीज़ है, कि एक ही करेक्टर है वो एक साइड अगर हेल्पफुल है तो दूसरी साइड क्या है हार्मफुल, यही क्या है ट्रेड ऑफ, ये बस में नेचर ने किसी चीज़ को कोई अच्छी दी है तो बुरी भी दी है। इसके बाद ये ग्राफ बना रखा है, अभी इस कर्व की बात कर रहे थे अपन, सर्वाइवरशिप पे कर्व ये बनाया था किसी इंडिविजुअल या टाइम के बीच, टाइम बोले तो एज के बीच। अब देखो फर्स्ट ये इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो फर्स्ट की बात करें तो ये देखो एक टाइम के बाद डिक्लाइन हो रहा है, मतलब एक टाइम के बाद डेथ होती है, तो इसका एग्जाम्पल है के सिलेक्टेड, के सिलेक्टेड में भी मैं बात करूँ मैमल्स या एलिफेंट। फिर देखो जो सेकंड ग्राफ है ये बीच वाला वो होता है बर्ड्स के लिए, ये बस में ये याद रखना है। इस सेकंड ग्राफ का एक और नाम है स्टेयर केस, क्योंकि ये सीढ़ी जैसा होता है, कैसा होता है सीढ़ी जैसा, सीढ़ी नुमा आकार, ये बस में। तो मतलब स्टेयर केस या सेकंड बोलते हैं तो वो किसका होगा बर्ड्स का, ये भी नेट में क्वेश्चन पूछा है। तीसरा जो ग्राफ है ये वाला, ये देखो यहाँ तेजी से क्या हो रहा है डेथ रेट हो रही है, मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं, ये बस में। तो इसका एग्जाम्पल है आर सिलेक्टेड या फिर मच्छर, ये बस में ये आपको तीनों पता होने चाहिए, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना ये सी पार्ट में आता है 4 नंबर में, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसके दो तीन टाइप मतलब दो तीन क्वेश्चन है सेम ही ये टाइप के, अपन तीनों चारों को पढ़ेंगे अभी। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर दे रखा है एज, जैसे 0 से 1 साल, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल, 4 से 5, 5 से 6। तो यहाँ पे देखा क्या है नंबर अलाइव, मतलब जो नंबर है मतलब जो कितने अभी जिंदा है इसको लिखते हैं अपन एनएक्स से, ये तो जिंदा का नंबर।
कितने मर गए, नंबर डाइंग, इसको लिखते हैं डीएक्स से, ये क्या है मरने वालों का नंबर। फिर ये होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, ये बस में मतलब जिंदा है उससे ये निकलती है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप, इसको लिखते हैं अपन एल एक्स से। फिर इसके बाद है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, ये बस में एम एक्स, ये जो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी है ये खुद क्वेश्चन में देगा। इसके बाद अपन को पूछेगा नेट ग्रोथ रेट बताओ, तो पहला पॉइंट जो नेट ग्रोथ रेट है वो क्या होता है, समेशन ऑफ, ये क्या है समेशन, समेशन मतलब ऐड करना, इसको एल एक्स एम एक्स को, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना, तो उन सबको प्लस करेंगे तब क्या निकलेगी, नेट ग्रोथ रेट, ये बस में। तो देखो ये जैसे यहाँ पे दे रखा है कि कितने जिंदा है वो भी दे रखा है, कितने मर गए वो भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं दिया था मैंने, जो रेड पेन से लिखा है वो नहीं दिया था, ये बस में। तो एल एक्स नहीं दिया हुआ, एल एक्स अपन को निकालना होता है, एम एक्स क्वेश्चन में देगा, और ये एल एक्स एम एक्स भी अपन को निकालना होगा, और फिर जितने भी एल एक्स एम एक्स है उनका समेशन, और यही क्या है नेट ग्रोथ रेट। तो अब देखो एन एक्स दिया हुआ है, डी एक्स दिया हुआ है, जिंदा भी दिए हुए मरे हुए भी दिए हुए हैं, अब अपन को एल एक्स निकालना है, तो एल एक्स कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें देखो सबसे ज्यादा क्या है 1000, ये बस में ऊपर ऊपर 1000 दे रखा है, देखो अब सबसे पहले आप 1000 को 1000 से डिवाइड करो, मतलब ये एक बेसिक ले लो कि इसको इसी से डिवाइड करो, तो जैसे 1000 को 1000 से डिवाइड किया तो आ गया 1, यहाँ पे एल एक्स क्या आ गया 1, 900 को फिर करो 1000 से डिवाइड, तो 900 को जब 1000 से डिवाइड करते हैं तब आएगा 0.9, फिर 600 को भी किससे करो 1000 से तब आएगा 0.6, ये एलएक्स निकालने का तरीका है, फिर 500 को करो 1000 से तो ये आएगा 0.5, फिर 300 को करो 1000 से ये आएगा 0.3, और 200 को करो 1000 से ये आएगा 0.2, ये अपन को निकालना था अपन ने निकाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एलएक्स और एमएक्स को, 1 × 0 क्या होगा 0, 0.9 × 0 क्या होगा 0, 0 से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0, 0.6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा 0.3, 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो आएगा 0.5, 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 0.3, 0.2 को 1 से करो 0.2, अब इन सब का जो प्लस है वही क्या है आंसर, तो इन सब का प्लस करेंगे तब आएगा 1.3, तो इसमें नेट ग्रोथ रेट क्या है 1.3, ये बस नहीं, तो ऐसे ही नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ, पहला टाइप तो ये हो गया इसी जैसा ही है, बस इसमें दूसरा टाइप कैसे बनता है कि ये मरने वाले और जो जिंदा है उनका नंबर थोड़ा बीच बीच में से गायब कर देते हैं, ये बस नहीं, और बाकी ये क्या है सेम ऐसे ही फॉलो होगा, तो ये 4 नंबर में आता है सी पार्ट के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि मान लो उसने कुछ नंबर गायब कर दिए, तो देखो यहाँ पे एक्स देर का है, ये बस में मतलब एज ग्रुप देर की है, यहाँ पे जिंदा का नंबर है, यहाँ मरने वालों का नंबर है डी एक्स, यहाँ एल एक्स अपन को निकालना होता है, और एम एक्स वो देता है, और आगे एल एक्स एम एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आते हैं, और इन सब का प्लस क्या है आंसर आर नोट नेट ग्रोथ रेट। तब देखो यहाँ पे ये 20 नहीं दे रखा था पहले, 30 नहीं दे रखा था, और ये 10, ये तीन चीज़ें नहीं दे रखी थी, तो सबसे पहले अपन को जिंदा और मरने वालों का नंबर निकालना है, फिर जिंदा से अपन को एल एक्स निकालना है, फिर एल एक्स और एम एक्स को मल्टीप्लाई करके ये आगे वाले निकालना है, फिर इन सब का प्लस क्या है इनका आंसर। तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि 100 जिंदा है उनमें से 50 मर गए तो कितने बचेंगे 50, सही बात है, 100 जिंदा थे उनमें से कितने मर गए 50, तो कितने बचेंगे 50, ऐसे ही है बस भाई। अब देखो 50 में से कितने मरे और कितने बचे ये दोनों नहीं दिखे, ये कैसे पता करें अभी, तो देखो ऊपर से चले अपन को 50 में से कितने मरे और कितने बचे ये दोनों ही बॉक्स खाली है, तो कैसे पता करें कोई तरीका नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप नीचे आ जाना, कहाँ जाना इसमें टेबल में नीचे आ जाना। तो अब देखो ये 10 है ये खाली था, तो अब कैसे निकालेंगे इसको कि 20 में से 10 मर गए तो कितने बचेंगे 10, ये बस में, और 10 में 10 मर गए खत्म हो गया सारा। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि 10 बचे, ये बस में कितने 10 बच गए और 10 मर गए थे, मतलब जिंदा कितने थे पहले 20, तो 10 + 10 = 20, अब देखो 20 बच गए ये बस में और 10 मर गए, ये बस में 20 बच गए 10 मर गए, मतलब उससे पहले कितने थे 30, 20 और 10 30, तो यहाँ 30 आ गया, अब 30 में से क्या ऐड करेंगे 50 हो जाए, तो 30 में से क्या ऐड करेंगे 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, मतलब 50 में से 20 मरेंगे तब क्या बचेंगे 30, ये बस में, जब ऊपर से काम नहीं हो रहा हो तो कहाँ जाना नीचे, ये बस में इस टेबल में कहाँ जाना नीचे। तो ऐसे निकालने हैं जिंदा और मरने का नंबर, वापस एक बार बता देता हूँ कि 100 में से 50 मर गए 50 बच गए, ये बस ही, अब 50 में से कितने मरे कितने बचे ये टेबल में नहीं दिया ना अपन यहाँ निकाल सकते, तो अपन को कहाँ जाना है नीचे, देखो यहाँ पे 20 में से 10 मर गए तो यहाँ बचेंगे 10, ये बस में, अब ऊपर चल लो कि 10 मर गए और ये बस में 10 बचे हैं 10 मर गए थे तो पहले कितने थे 20, अब 20 और 10 30, 30 में से क्या ऐड करें कि 50 हो जाए 20, ये बस में, तो ऐसे आपको जिंदा और मरने वालों का नंबर निकालना है। अब इसके बाद क्या है कि एल एक्स कैसे निकालेंगे, तो एल एक्स देखो 100 सबसे ज्यादा है ऊपर ऊपर यही दिया हुआ है, तो 100/100 कर लो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 100 को 50 से डिवाइड करो 100/50 ये आएगा 0.5, फिर 30 को 100 से डिवाइड कर लो ये बस में 30 को 100 से डिवाइड आएगा 0.3, फिर 20 को 100 से कर लो ये आएगा 0.2, फिर 10 को 100 से कर लो ये आएगा 0.1, ये आ गया एल एक्स, एम एक्स क्वेश्चन में देगा। फिर देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 1 × 0 = 0, 0.5 × 0.5 = 0.25,
0.3 × 0.5 0.15, 0.2 × 1 0.2, 0.1 × 0.1 0.1, ये बस में, और इन सब का प्लस करेंगे तब आएगा 0.7। यही क्या है, नेट ग्रोथ रेट। तो आपको थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर आए या नहीं आए ये जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, मतलब एस ग्रुप दी हुई है, एन एक्स जिंदा का नंबर दिया हुआ है, डी एक्स मरने वालों का नंबर दिया हुआ है, एल एक्स मतलब इस एन एक्स जिंदा से क्या निकालेंगे अपन, एल एक्स एम एक्स क्वेश्चन में देगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा एल एक्स एम एक्स, और इन सब का समेशन या समेशन ऑफ एल एक्स एम एक्स वो क्या है, नेट ग्रोथ रेट। तो यहाँ देखो 1000 है ये बस में, अब देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं दिया, 200 नहीं दिया ये बस में, ये 300 नहीं दिया, 50 नहीं दिया ये बस में, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये क्या थे खाली क्वेश्चन में, क्या थे ये खाली थे ये बस में, ये भी खाली था, और ये एल एक्स पूरा खाली होता है। अब देखो ये क्वेश्चन में देता है ये बस में, तो अब सबसे पहले क्या करो, ये 1000 में से कितने मर जाए कि 800 बचे, तो 1000 में से कितने मरेंगे 200, यहाँ 200 कर दिया अपन ने। अब देखो 800 में से कितने मरे कितने बचे, ये दोनों ही बॉक्स क्या खाली, तो ये पता नहीं कर सकते। तो आपको नीचे आ जाना है कि यहाँ देखो 300 में से 100 मर गए तो कितने बचेंगे 200 ये बस में, और 200 में 200 मर जाएंगे। अब देखो ऊपर चलो कि 200 बचे और 100 मर गए थे, इससे मतलब पहले कितने थे 300, मतलब 200 + 100 300। अब 300 में से 200 ऐड करो, यहाँ क्या आएगा 500, 500 में से क्या ऐड करेंगे 800 जाए, क्या ऐड करेंगे 300। तो ये अपने जिंदा और मरने वालों का जो टेबल है वो भर गई। अब इससे अपन निकालेंगे एल एक्स, एल एक्स कैसे निकालते हैं कि एन एक्स का जो देखो सबसे ऊपर है क्या है 1000, तो इस 1000 को 1000 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1, फिर 1000 को 800 से डिवाइड करो, सॉरी 800 को 1000 से डिवाइड करो तो ये आएगा 0.8, फिर 500 को 1000 से डिवाइड करो ये आएगा 0.5, 300 को 1000 से डिवाइड करो ये आएगा 0.3, फिर 200 को 1000 से डिवाइड करो ये आएगा 0.2 ये बस में। तो ये निकाल दिया अपन ने एल एक्स, ए स्पेसिफिक सर्वाइवर शिप, ये जो ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी है एम एक्स ये खुद देगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 0 0.8 × 0 0.5 × 0.5 0.25 0.3 × 1 0.3 0.2 × 1 0.2, ये आपको थोड़ी इजी बेसिक कैलकुलेशन है ये आपको आनी चाहिए। फिर एल एक्स एम एक्स सबको ऐड कर दो तो ये अपना आर नोट आ जाएगा 0.75, या नेट ग्रोथ रेट अपनी आ जाएगी ये बस में 0.75। ऐसे ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। ये देखो यहाँ पे एस ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे जिंदा का नंबर, यहाँ डी एक्स मरने का नंबर, एल एक्स मतलब ए स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप निकालनी होती है ये बस में, इसमें भी कुछ दे रखा है थोड़ी बहुत, एम एक्स पूरा देगा, एल एक्स एम एक्स अपन को निकालना है, और उससे अपन आर नोट निकालना है नेट ग्रोथ है रेट। अब देखो यहाँ पे कि एन एक्स में कुछ दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, जैसे ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा और ये नहीं दे रखा, और एल एक्स में ये नहीं दे रखा और ये नहीं दे रखा और ये नहीं दे रखा, तीन ऐसे नहीं दे रखे। तो अब देखो यहाँ देखो 1000 में से कितने मर गए 300, तब कितने बचे 700, 700 में से कितने मरे कितने बचे ये नहीं पता, तो दोनों बॉक्स यहाँ नहीं भर सकते, तो आप नीचे आ जाओ। 300 में से 150 मर गए कितने बचेंगे 150, तो ये भर दिया। अब देखो 150 बच गए, कितने मरे थे 150, तो पहले कितने होंगे 300, तो 150 + 150 300, 300 + 200 500, 500 में क्या ऐड करेंगे 700 हो जाए, क्या ऐड करेंगे 200, तो 500 + 200 क्या हो गया 700। तो ये अपने भर गए, जिंदा भी भर गए और मर गए भी पूरे भर गए। अब अपन निकालेंगे एल एक्स, एल एक्स कैसे निकालेंगे, 1000 / 1000 सबसे पहले यही करना है, तो ये आ गया 1, फिर 700 को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0.7, ये पहले ही दे रखा है, 500 को 1000 से कर दो तो ये आएगा 0.5, ये अपन को भरना है, फिर इसके अलावा 300 को 1000 से कर दो 0.3, ये पहले से ही दे रखा है, 150 को कर दो 1000 से ये आएगा 0.15 ये बस भाई, तो ये भी भर लिया अपने, एम एक्स वो देगा ही, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 0 0.7 × 0.5 0.35 0.5 × 1 0.5 0.3 × 1 0.3 0.15 × 0 0 ये बस में। फिर सारे एल एक्स एम एक्स का समेशन कर दो, ये जो साइन होता है ये समेशन का होता है, तो इन सब सबका ऐड करेंगे ये बस में, तो क्या आएगा 1.15 ये बस में। यही क्या अपनी नेट ग्रोथ रेट। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये बस में, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बस भाई। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आर एस कैरियन इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।